आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। एसडीएम व सीओ समेत कोतवाल ज्ञानपुर ने कहा, इन पर रहेगी नजर, चलेगा प्रशासन का डंडा। खबर जनपद भदोही के कोतवाली ज्ञानपुर से है, जहां शुक्रवार को आगामी ईद उज जुहा व कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के संबंध में पीस कमेटी की बैठक ज्ञानपुर एसडीएम चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान एसडीएम ज्ञानपुर ने उपस्थित बुद्धिजीवियों से आगामी त्योहारों में आने वाली समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यदि आपके आसपास किसी भी तरह की समस्या आती है या त्योहारों में कोई कहीं खलल डालने का प्रयास करता है, तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते उपद्रवी तत्वों से निपटा जा सके। पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने आम जनमानस को संदेश दिया कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की अनावश्यक टिप्पणी ना करें, यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन की टीम हर समय आपके आसपास मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान निश्चित ध्वनि तक ही डीजे बजाएं, डीजे की आवाज इतनी तेज ना हो कि उससे किसी को तकलीफ हो। वहीं सीओ सदर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि आगामी त्योहारों पर किसी भी तरह की समस्या हो तो तत्काल अवगत कराएं, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना कराएं, कुर्बानी करने वाले औजारों को खुले में लेकर ना जाएं, बल्कि किसी कपड़े आदि में लपेटकर ले जाएं, ताकि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। कुर्बानी के बाद अवशेषों को खुले में ना फेंकें, उसका सही से निस्तारण करें। कोतवाली प्रभारी सत्यनारायण मिश्रा ने कहा कि 21 जुलाई को कुर्बानी तथा 25 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा के दौरान एक दूसरे का सहयोग करें, किसी भी तरह से एक दूसरे की भावना को ठेस ना पहुंचाएं। देश का सम्मान्य नागरिक होने के नाते अपने आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। देश और समाज के प्रति यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी भी तरह की समस्या होती है तो तत्काल हमारे सीयूजी नंबर पर फोन करें, अगर उसमें भी असुविधा हो रही है तो डायल 112 पर कॉल करें, समस्या का समाधान तत्काल किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें, नमाज व कांवड़ यात्रा के दौरान ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें, उचित दूरी बनाकर त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। उपस्थित अधिकारियों ने नगर पंचायत को निर्देशित किया कि नमाज स्थलों की साफ सफाई व पानी आदि की व्यवस्था का निरीक्षण कर आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान करें। उक्त स्थानों पर यदि लाइट आदि की व्यवस्था नहीं है तो तत्काल व्यवस्था करवाएं। बैठक में पूर्व चेयरमैन व जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल घनश्याम दास गुप्ता, नगर अध्यक्ष रंजीत गुप्ता, मुकेश सेठ, सभासद पवन श्रीवास्तव, आनंद सोनी, अकरम बल्ले, इब्रार अहमद मंसूरी, टीपू, आशीष मिश्रा आदि के साथ साथ समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य बुद्धिजीवी मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। खाना ज्ञानपुर को आयोजित की गई, जिसमें दोनों समुदाय के लोग इकट्ठे थे, संविधान भक्ति आई। इसमें यही निर्देश दिया गया कि बकरीद के त्यौहार पर जैसे बाबा वहीं आएंगे, साफ सफाई नगर की अच्छे से की जाए, और जो भी अवशेष हैं, कुर्बानी होती है बकरीद के त्यौहार पर, कुर्बानी होती है उसके अवशेष को ठीक ठाक ठीक जगह ठीक से उसको डंप किया जाए, इधर उधर उसके अवशेष ना पड़े। तो इन लोगों ने बताया कि अवशेष इकट्ठा खोद करके डंप किए जाते हैं, बिजली पानी की आपूर्ति के लिए भी नगर पंचायत को निर्देश दिए गए हैं, उस दिन प्रॉपर उसकी पानी की आपूर्ति रहे, साफ सफाई रहे, फॉगिंग, ब्लीचिंग, चूनाकरण ये सब हो जाए। कांवड़ यात्रा में यहाँ पे जैसे कि ज्ञानपुर में दो जगह जल चढ़ना है, तो हरियाणा में एक चकवा मावी, इसमें यही है कि सोमवार को जैसे पता चला कि ज़्यादा भीड़ रहती है तो मंदिरों पर बराबर साफ सफाई रहे, वॉलंटियर नियुक्त कर दिए जाए जल चढ़वाने के लिए, से ज़्यादा भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और नगर पालिका को भी बताया गया है कि नगर पे साफ सफाई व्यवस्था, क्योंकि ज़्यादा लोगों का आवागमन होगा, कांवड़ियों का आवागमन ज़्यादा रहेगा, साफ सफाई व्यवस्था अच्छे से रहे, जल आपूर्ति ठीक ठाक रहे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें
ईमेल भी कर सकते हैं।